हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक्स की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है EKI एनर्जी। EKI एनर्जी की अगर हम बात करें, एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। SME IPO आता हुआ दिखाई दिया था, अब ये मेन बोर्ड में आ चुका है। तो लगभग देखिए, SME का मतलब क्या होता है, जिसकी अगर बात करें 25 करोड़ के आसपास की क्या होती है कंपनी की वैल्यू होती है, 25 करोड़ की और 50 करोड़ के आसपास से यहाँ पर ये देखिए 5,229 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। बड़े बड़े नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, FIs भी है, DIs भी है, बेहतरीन कंपनी काम कर रही है। और शेयर ने 3 दिन में लगातार अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर मिलते हुए दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये शेयर जब भागता है ना, मल्टीबैगर रिटर्न देता है। तो यहाँ पर देखिए 58% तक भागा है, बट आज थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। तो स्टिल यहाँ पर देखेंगे तो 44% के ये रिटर्न मिलते हुए नजर आए। क्या पहली बार वीडियो बना रहा हूँ? तो इसका आंसर है नो। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी 1 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर ये करती हुई नजर आती है और आने वाले टाइम में किस तरीके से बेहतरीन यहाँ पर काम करके अच्छे खासे यहाँ पर आपको पैसे बना के दे सकती है। शेयर जब बताया था 1 महीने पहले, तब ये शेयर आसपास यहाँ पर 1600 रुपए के आसपास कर चल रहा था, मैंने भी खरीदा था। उसके बाद ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था लगभग 300 रुपए के आसपास, क्योंकि वोलेटाइल शेयर है। बट मुझे यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई दे रही थी, तो मैंने यहाँ पर ये शेयर बेचा नहीं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट यहाँ पर अब देखिए शेयर को, शेयर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर क्या करता हुआ नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में ये शेयर 2100 का हाई बनाया, बट 1900 पे यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। तो देखिए यहाँ पर 202 रुपए का नेगेटिव भी तुरंत के तुरंत होता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे का भी अगर हम देखें तो ये काम कैसे करती है चीजें, उसके रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो बड़ा वॉलेटाइल शेयर है, इस चीज को याद रखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इस शेयर से रिलेटेड जानेंगे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, क्या हमें इस शेयर को अभी लेना चाहिए, उससे रिलेटेड हम सारी की सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट है, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमारे इस चैनल को काफी ग्रो करने में मदद कर सकता है। आने वाले अगले महीने का टारगेट 10,000 तक हमारे सब्सक्राइबर्स हो, एज वेल एज यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है विम्प्लास्ट, और जो भी हमने स्टॉक्स बताते हैं वो यहाँ पर अच्छे खासे चलते हुए नजर आते हैं। उसके पीछे का फिनोमिना क्या है, उसके पीछे की चीज क्या है, तो ये जो लर्निंग हमने सीखी है वो, और जो लर्निंग हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं वो, तो इसलिए यहाँ पर जो रिसर्च एनालिसिस करके उसके ऊपर टेक्निकल का जो मसाला छिड़क दिया जाता है। ओके, जब ये दोनों चीजें मिल जाती है, ओके, साथ में फंडामेंटल भी कह लीजिए, वैसे इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जब हम ये सब चीज मिला देते हैं तो ये शेयर भागते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारे जो शेयर है एक एक साल में 3-3 महीने में कभी 5 गुना हो जाते हैं, कोई 10 गुना हो जाता है, और कोई अगर हम बात करें 4 गुना होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए कहता हूँ अच्छा खासे लर्निंग करेंगे तो अर्निंग होती रहेगी। ओके, तो ये सब चीज सिखाई जा रही है। ओके, यहाँ पर ये फीस आपको दे रखी है, लोग मोस्टली वन ऑन वन यहाँ पर सीख रहे हैं। फॉर इस यहाँ पर देखिए कंप्लीट क्लास की जाती है, कंप्लीट कोर्स स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज होती है, वो ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं, 3 मंथ्स की यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग, और कोई भी यहाँ पर सीख सकता है। नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए 8860540501, 8169261037, इस पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर आप चीजें जान सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो EKI एनर्जी लिमिटेड क्या है, तो EKI एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई नजर आती है, और वो किस वजह से बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर हम बात करें काफी सारे यहाँ पर रीजन आते हुए नजर आते हैं। और मोस्टली जब कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, जो बड़ी बड़े इंडस्ट्रीज से निकलते हुए नजर आते हैं, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड को खरीद के दूसरी जगह बेच देना, ओके, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे ये काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजर इन कार्बन ऑफसेट अलोंग द बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर बात करें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और यहाँ पर बात करें इनके जितने भी यहाँ पर क्लाइंट है, सारे मोस्टली बाहर के ही है, क्लाइमेट चेंज एडवाइजर और इंडिया के भी है, इस चीज को याद रखिए। कंसल्टेंसी फॉर द वैलिड
वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ एलिजिबल कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट। कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट यहाँ पर एक ही ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। ओके सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस लीन मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी सर्विसेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट से करते हुए नजर आते हैं। और ये जो बिजनेस है काफी बड़ा बिजनेस है। ओके और यहाँ पर ये अभी थोड़े से लेवल पर पहुंच पाए हैं और जब पूरा का पूरे वर्ल्ड की अगर ये थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्रैप कर लेते हैं $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इंडिया 2% यहाँ पर इनकम आती हुई दिखाई दी है। ओके जो कि कभी 2020 में 7% थी, यूएस में पहले 18% थी अब 7% हो गई है, यूरोप में 50% से 52% हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में 13 से 27, अदर्स में बात करें तो यहाँ पर लगभग 12% की यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल स्प्लिट यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। रिवेन्यू यहाँ पर मिक्स आते हुए दिखाई देते हैं। और क्लाइंट की बात करें सारे बड़े ग्रुप इनके ये क्या है क्लाइंट है, जहाँ पर हम बात करें कंपनी आर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक, एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इंडिया रेलवेज की बात करें एसबी एनर्जी, ग्रीको, रिन्यू पावर, फोर्टम, एसीएमई, एजोर पावर, हायरा ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और बहुत सारे जिसमें अडानी वगैरह सबका यहाँ पर नाम आता हुआ दिखाई देता है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ओके तो आपको पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर समझ में आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इनके क्लाइंट और इनकी ये किस तरीके की कहाँ कहाँ बिजनेस देते हैं वो यहाँ पर देखिए। अडानी भी है, एनटीपीसी भी है, एनएचपीसी भी है, सीमेंस भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, हीरा भी है, एजोर पावर भी है, वैद्यनाथ भी है, मोर देन 2000 प्लस इनके क्या है क्लाइंट। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर इन पर इस इन्हें तो इस चीज को आपको यहाँ समझना होगा सारे बड़े ग्रुप इनके क्या है क्लाइंट है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। स्मॉल कैप कंपनी है, एसएमई से स्मॉल कैप बन गई है, स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप बहुत जल्दी बनती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में। पी देखने की जरूरत नहीं है, शेयर इतना भागा है स्टिल पी 11 गई है, आरओसी आरओई बेहतरीन। ओके कंपनी के डेट फ्री बिल्कुल 3150 का हाई 1902 का यहाँ पर अभी ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके यहाँ पर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर देख सकते हैं कभी शेयर 40 रुपए का हुआ करता था, 40 से 3100 रुपए भागा और 3100 से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1300 रुपए पे आता हुआ दिखाई दिया, तो 1400 रुपए पे तो बात करें 60-70% ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। सीएजीआर देखिए 358% की, किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते करोड़पति यहाँ पर होता हुआ नजर आता। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतरीन, बैक टू बैक अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन कंपनी के बेहतरीन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं वो अच्छा खासा आ रहा है। और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि कार्बन मुक्त होना चाहिए पूरा वर्ल्ड, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिशियरी है, इस चीज को याद रखिएगा। सेल्स 1 लाख से 2100 करोड़ की यहाँ पर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 611 करोड़ का पहुंच गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 455 करोड़ के आसपास का यहाँ पर क्या है नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रोथ है ना, इस वजह से शेयर का प्राइस यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है, इस चीज को देखिए। ईपीएस बैक टू बैक बेहतरीन, कंपनी का रिजर्व्स हो गए 403 करोड़ के, बोरिंग भी है और ये शेयर ने स्प्लिट और बोनस दोनों एक साथ दिया था, वरना ये शेयर 15,000 रुपए का हुआ करता था। यहाँ पर देखिए बोनस कंपनी ने 3:1 का बोनस दिया था, इस वजह से स्प्लिट नहीं बोनस दिया था केवल, माय बैड। डिविडेंड की बात करें 1 रुपए का 2021 में, 2200 में 20 रुपए का दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। स्टिल 403 करोड़ के रिजर्व, 4 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस, 44 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कैश की बात करें, 9 करोड़ का कंपनी के पास क्या है कैश भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है पॉजिटिव। कंपनी की बात करें प्रमोटर्स 73.47 एज इट इज बने हुए, FIIs के पास 5%, DIIs के पास लगभग 6% और यहाँ पर पब्लिक के पास 15% की हिस्सेदारी है, थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। बट यहाँ याद रखिए मुकुल महावीर अग्रवाल सर एक बेहतरीन बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ओके अच्छे खासे यहाँ पर इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है 1.57% से 1.89%, तो इन्होंने क्या करी है अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर सोचना होगा क्यों बढ़ाई है, कुछ बिजनेस में है इसलिए बढ़ाई है। यहाँ पर देखिए कंपनी के जो वॉल्यूम है ना दोबारा आने शुरू हो गए, इस तरीके के वॉल्यूम स्टार्टिंग में यहाँ पर देखे गए थे और यहाँ पर हो सकता है कि शेयर थोड़ा सा अब गिरता हुआ नजर आए, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जब भी इस तरीके की कोई कैंडल बनती है ना तो गिरावट होती हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर भी एक इस तरीके की कैंडल बनी थी,
2400 से शेयर यहाँ पर 2200 आ गया था और फिर उसके बाद गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है और दोबारा यहाँ पर जो लेवल है 1500 और ये 1300, इस लेवल को दोबारा यहाँ पर क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। बट जैसे ही जो ये लाइन है इसे क्रॉस करता है और मोस्टली 2306 की ये जो लाइन है ओके इसे क्रॉस करता है तो एक रैली इसमें दोबारा होती हुई नजर आएगी जो इसे यहाँ पर नहीं ओके बहुत ऊपर के लेवल पे जाती हुई दिखाई देगी और बेहतरीन रिटर्न दोबारा देते हुए दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है आपका तो रखिए इस शेयर को, यह शेयर बहुत बेहतरीन रिटर्न आने वाले टाइम में देने वाला है, इसमें किसी तरीके का आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। शेयर बट वॉलेटाइल है, इस चीज को याद रखिएगा, कब शेयर आपका यहाँ पर खरीदा और ये कब गिर जाएगा और कब भागना शुरू कर देगा, भाग के यहाँ पर 58% की रिटर्न 3 दिन में देता हुआ नजर आ जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे ओके। और यहाँ पर जो ये मैंने बना रखा है इसके नीचे गिरे तो बेच देना है और अगर इसके ऊपर ऊपर गया तो याद रखिए शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। मेरे पास ये शेयर ऑलरेडी है, इस चीज के बारे में बता देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ये सब चीज जानने के लिए कि कैसे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं, किस तरीके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये शेयर ये पूरा का पूरा प्लान है, ये पूरा का पूरा कोर्स है, जाके आप यहाँ पर 8860540501 8169261037 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।